Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I am Uzma Manzoor. Today's lecture is about using the scientific method. Sciencey tarika kar ka istemal. This chapter is divided into four parts. First, I will tell you the name of these parts. First part is better control of disease. Number two, better sanitary conditions. Number three, more food and better food. Number four, better attitudes. Now we will discuss about these points, that what the writer has told us in this chapter. इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि साइंटिफिक मेथड के जरिए कैसे बीमारियों पर काबू पाने में हमें मदद मिली है. राइटर हमें ये बताता है कि साइंटिफिक मेथड इज सो मच हेल्पफुल कि जिसके तरीकाकार के इस्तेमाल से हमने बीमारियों पर काबू पा लिया है. वो एग्जांपल देता है कि अगर हम 200 साल पहले पे नज़र डालें तो उस वक्त हमारी जो सेहत थी वो कैसी थी और लोगों की जिंदगियां कितनी लंबी थी, क्या सूरत हाल थी. राइटर हमें ये बताता है कि अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते तो 8 में से 7% चांसेस ये थे कि आप 1 साल का होने से पहले ही आपकी डेथ हो जाती. वो कहते हैं कि वो बच्चे जो कि अपनी पहली बर्थडे तक पहुंचते थे वो बहुत खुशकिस्मत तसव्वुर किए जाते थे, और जो बच्चे 12 साल की उम्र तक पहुंच जाते थे समहाउ बीमारियों से लड़ते लड़ते, तो ज़िंदगी की जंग यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी. बच्चे जब 12 साल की उम्र तक पहुंचते थे तो उस वक्त भी बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से लड़ना होता था, जैसे कि मीज़ल्स, हूपिंग कफ, स्कारलेट फीवर, डिफ्थीरिया वगैरह वगैरह. और ये सारी बीमारियां क्या हैं, मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ उर्दू में ताकि आपको समझ आ जाए. मीज़ल्स खसरा, हूपिंग कफ काली खांसी, मीज़ल्स खसरा और खतनाक की बीमारी है डिफ्थीरिया, जिसमें कि गले की जो नालियां हैं वो थोड़ी सुकड़ जाती हैं, और फिर मलेरिया जैसी बीमारियां हैं. ये वो सारी बीमारियां थीं कि बच्चों पर ये बीमारियां हमला करती थीं. उसके बाद राइटर हमें ये बताता है कि 30 साल तक अगर कोई शख्स ज़िंदा रहता, उसकी उम्र 30 साल की हो जाती, तो ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ, उसे बहुत खुशकिस्मत समझा जाता था कि वो 30 साल की उम्र तक पहुँच गया है. Or it is just because of the scientific method. You can say that science has increased the average age of man. Now, what happens that the average age of the man is 70 years. आपने देखा होगा कि आज के दौर में लोग 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप 70 साल से एक दिन ऊपर होंगे तो उसके बाद आप मर जाएंगे या खुद को मार लें कि मैडम ने कहा है कि 70 साल की एवरेज एज है. This is not the case. Means that average age, लोगों की औसतन उम्र 70 साल है. 70 साल की उम्र तक इंसान आज के दौर में पहुंचा कैसे? बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक मेथड एंड बिकॉज ऑफ द बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, बीमारियों पर काबू पा लिया गया. ज़मानों में क्या होता था कि बीमारी लगती थी उसके लिए किसी के पास कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन, कुछ भी नहीं थी. उसको मिथ्स कंसिडर किया जाता था कि इसको कोई आसेब हो गए, इसको ये हो गया है. लेकिन अब हर चीज़ के लिए एक डायग्नोस्टिक सिस्टम है. बीमारी की पहले तशखीस की जाती है, फिर उसको उसका इलाज किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है बेटर सैनिटरी कंडीशंस. राइटर ने इस चैप्टर में पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन किया है. इन चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं उनका उसने पहले पास्ट के साथ प्रेजेंट को कंपेयर किया है. यहाँ पे भी वो यही कर रहा है कि जो बेटर सैनिटरी कंडीशंस आजकल हैं वो कैसे पॉसिबल हुई हैं साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से. पास्ट में अगर आप देखो कि लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे, पुराने ज़मानों में कोई भी सहूलतें, हिफ्ज़ान सेहत के जो असूल हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता था. लोग प्रॉपर पेव्ड रोड नहीं थी, लोगों के घरों में किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं थी, आउटडोर टॉयलेट सिस्टम बहुत कॉमन था, लोगों की जो गलियाँ बाज़ार वो बिल्कुल अनपेव्ड रोड थी. जो कुछ घरों में सफाई करके लोग गलियों में कूड़ा करकट फेंक देते थे और जो भी जानवर और जो भी ये सब था वो उसी को फीड करते थे, और जो चूँकि आउटडोर टॉयलेट सिस्टम था
तो वो जो उसकी ड्रेनेज थी वो मोस्टली वहाँ पे होती थी जहाँ से लोग पानी भर के लाते थे, तो लोगों को ये पता ही नहीं चलता था कि हमें बीमारी की कॉज क्या है, एज दे वर नॉट हैविंग द प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीन वाटर, तो उसकी वजह से उनको डिजीज़ लगती थी और उनको उसका रूट कॉज पता ही नहीं था। जबकि अब साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से लोगों को बहुत सारी आसानियाँ हो गई हैं, लोगों को प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, इंडोर टॉयलेट सिस्टम है, आपको बताया जाता है कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है क्या नहीं है। पुराने ज़मानों में क्या होता था कि रोड्स भी नहीं होते थे, जो पेव्ड रोड्स हैं, पक्के रास्ते, सड़कें वो नहीं थी। आज के दौर में हमें ये सारी सहूलतें मुहैया हो चुकी हैं। बेटर फूड, मोर फूड। बेटर फूड का क्या मतलब है? जैसे कि हमें ये नाम ही बता रहा है कि ज़्यादा खाना और बेहतर खाना। ज़्यादा खाना ये नहीं कि हम खाते ही चले जाएं, मीन्स दैट वैरायटी ऑफ फूड। जैसे कि अभी आपका दिल चाहेगा कुछ भी खाने का तो आप ऑर्डर करेंगे तो वो आपके घर पे कुछ देर में आपके घर में खाना आप रिसीव कर लोगे। पुराने ज़मानों में ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़मानों में एक मौसम का फल दूसरे मौसम में लोग इन्जॉय नहीं कर सकते थे। आप जिस एरिया में रह रहे होते थे आपको उसी एरिया के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल होते थे, जबकि आजकल ऐसा नहीं है। आपको ये क्यों पॉसिबल है? इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। पुराने ज़मानों में चूँकि सड़कें प्रॉपर नहीं थी तो एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर आने जाने में सारा सामान गल सड़ जाता था। ये पैरिशेबल गुड्स होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, सब्जियां और फल, तो ये आते जाते ट्रैवलिंग करते ही ये गल सड़ जाते थे। जबकि आज के दौर में ऐसा नहीं है। एक शहर से दूसरे शहर चीज़ें बआसानी पहुँच जाती हैं और एक शहर के लोग चाहे उस वहाँ पर उन फलों और सब्जियों का मौसम ना भी हो वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि पुराने ज़मानों में जो लोग सी फूड्स खाते थे वो सिर्फ वही लोग थे जो साहिल के पास रहते थे, साहिल समंदर के पास रहते थे, कोस्टल एरिया के करीब रहते थे, वही लोग सी फूड्स खा सकते थे। बाकी सब लोग जो हैं वो सी फूड्स नहीं खा सकते थे। उसके बाद हंटर्स जो थे वो शिकार करके लाते थे और खा लेते थे। बाकी लोगों को सारा साल अगर वो उस वहाँ पे कोई भी जानवर या कोई इस तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर उनको हंटिंग नहीं आती थी, तो वो लोग इन सारी चीज़ों को खाने से महरूम थे। लास्ट पॉइंट, बेटर एटीट्यूड्स, रवैये। बेहतर रवैये क्या है? कि साइंटिफिक मेथड ने, साइंस ने इंसानों के रवैयों में भी तब्दीली लाई है। तब्दीली कैसे लाई है? कि साइंस ने हमें ये बताया है कि इंसान पहले ज़मानों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सुपरस्टिशियस था। जैसे कि पुराने ज़मानों में लोगों का ये बिलीव था कि अगर हमारे आगे से बिल्ली, काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो हमारा काम नहीं होगा, या फिर शीशा टूट गया है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, या फिर नंबर 13 जो है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह मुख्तलिफ माशरे में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ किस्म के सुपरस्टिशंस हैं, हमारी कंट्री में भी हैं। तो साइंस इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती, हर चीज़ के लिए लॉजिक मांगती है, एक्सपेरिमेंट मांगती है, रीज़न मांगती है। तो साइंस ने लोगों को इस चीज़ से निजात दिला दी है। आज के दौर के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते, बिकॉज दे नीड रीजनिंग, दे वॉन्ट आंसर्स, दे वॉन्ट लॉजिक्स, इसके पीछे लॉजिक क्या है। साइंटिफिक मेथड ने इन सारी चीज़ों से इंसान को निजात दे दी है। साइंस ने हमें ये बताया है कि अगर हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। इन चारों एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो इनमें जब हम साइंस को ऐड करेंगे तो हमारी ज़िंदगी हर तरीके से बेहतर होती चली जाएगी, डिज़ीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर हम अपनी सैनिटरी कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे। इसी तरह अगर हम खाना अच्छा खाएंगे जिसमें कि प्रॉपरली हाइजेनिकल कंडीशंस का ख्याल रखा जाएगा तो भी हमारी सेहत अच्छी होगी, और अगर हम अपना एटीट्यूड बेहतर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ भी पॉजिटिव और अच्छी होती चली जाएगी। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, एंड वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। इसके जो क्वेश्चन हैं आपने उनको याद करना है। नाउ आई विल डिस्कस answers of these questions. Question number one, how has scientific method helped us in our fight against disease? कि scientific method ने कैसे हमारी मदद की है इन बीमारियों के खिलाफ जंग लड़ने में? Scientific method ने हमारी कैसे मदद की है? Scientific method has helped us a lot in finding out the cause, effective remedies and vaccination of diseases. पहली चीज़ क्या है कि उसने बीमारियों की वजूहात ढूंढने में सबसे पहले आपको उसकी वजह मालूम होनी चाहिए, फिर इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ के उसके मौसर इलाज में, एंड वैक्सीनेशन ऑफ द डिज़ीज़
अगर कोई बीमारी का पता चल गया है तो उसकी वैक्सीनेशन क्या है. इट हैज़ प्रोवाइडेड अस विद बेटर सैनिटरी कंडीशंस, बैलेंस फूड एंड बेटर एटीट्यूड. वो चारों पॉइंट्स जो हम मैंने अभी डिस्कस किए डिटेल में, उन चारों की मदद से साइंटिफिक मेथड ने हेल्प की हमारी अगेंस्ट दीज डिजीजेस. क्वेश्चन नंबर टू, राइट अ नोट ऑन बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आर सिटीज टुडे एंड कंपेयर देम विद व्हाट दे वर लाइक 100 years ago. इसमें हमने बताना है कि हमारे शहर में सैनिटरी कंडीशंस कैसे हैं, पेव्ड रोड्स हैं, वेल ड्रेन्ड एंड दे आर क्लीन्ड प्रॉपरली, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर वाटर अवेलेबल है, और 100 साल पहले कैसा था, स्ट्रीट्स वर नैरो, अनपेव्ड, पुअरली ड्रेन्ड, और ड्रिंकिंग वाटर जो था वो अवेलेबल नहीं था. क्वेश्चन नंबर थ्री, वाट आर द सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आर विलेजेस टूडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम. पहला सवाल था कि सिटीज़ में कैसे थी सैनिटरी कंडीशंस, अब है विलेजेस में कैसे हैं और आप उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं. विलेजेस में अभी भी स्ट्रीट्स आर नैरो, गलियाँ तंग हैं, अनपेव्ड हैं, पुअरली ड्रेन्ड हैं. पुअरली ड्रेन मीन कि वहाँ पर निकासी का इंतज़ाम नहीं है, सीवरेज का इंतज़ाम नहीं है. आउटडोर टॉयलेट्स आर कॉमन एंड दीज पुअर सैनिटरी कंडीशंस कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड. The sanitation department should be set up for this purpose. इस सारे इंतज़ाम को संभालने के लिए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि इस सारे इंतज़ाम को बेहतर करे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. कि कैसे साइंटिफिक मेथड ने हमारी हेल्प की कि हम खुराक की उसको प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, उसकी पैदावार कैसे बढ़ाएं और उसको प्रिजर्व कैसे करें, उसे महफूज कैसे करें. साइंटिफिक मेथड ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है इसकी प्रोडक्शन में और उसको प्रिजर्व करने में. कैसे, उसने हमें बेटर एग्रीकल्चरल टूल्स प्रोवाइड किए हैं. बेटर एग्रीकल्चरल टूल्स मीन्स कि उसने हमें बेहतर ज़रई आलात मुहैया किया है, बेटर सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स, वो दवाइयाँ जो कि प्रोडक्शन को इम्प्रूव करती हैं, फसलों में जो बीमारियाँ लगती हैं उनको रोकती हैं. इट हैज़ ऑल्सो हेल्प अस इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय क्विक फ्रीज मेथड एंड डिहाइड्रेशन. अफ्रेड ऑफ, हमारे जो आबाव अजदाद थे वो किस चीज़ से खौफ सता थे, एंसेस्टर्स कहते हैं आबाव अजदाद को. आवर एंसेस्टर्स वर अफ्रेड ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के जो उनको खौफ आता था कुछ चीज़ों से जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती. नंबर वन, they believed like evil spirits, black cat, broken mirror and number 13. And we are less fearful, hum kam khaufzada hain and more critical in our thinking. अपने सोचने का हमारा तरीका उनसे ज़्यादा पॉजिटिव है, उनसे ज़्यादा क्रिटिकल है, उनसे ज़्यादा बेहतर है और हम उनसे कम खौफजदा हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द सुपरस्टिशियस बिलीव्स बींग ओवरकम. कैसे इन सुपरस्टिशियस बिलीव्स पर काबू पा लिया गया है, ये जो सोच है लोगों की उस पर कैसे काबू पाया गया है, ये जो गलत नज़रियात हैं उन पर कैसे काबू पाया गया है. द सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बींग ओवरकम बाई यूजिंग द साइंटिफिक मेथड. इट हैज़ प्रोवाइड अस दैट देर इज़ नो साइंस साउंड बेसिस फॉर देम. कि वहाँ पर उनकी कोई बेसिक रीज़न नहीं है. न्यू डिस्कवरीज ने हेल्प किया है लोगों को टू डिवेलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस. कि अपने जहन को बड़ा कीजिए, वसीउ नज़र हो, नैरो माइंडेड ना हो. अगर आप ओपन माइंडेड होंगे तभी आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं. एंड नाउ दे आर विलिंग टू लुक फॉर द न्यू ट्रूथ्स. लोग रेडी हैं, एक्सेप्ट करते हैं नई चीज़ों को, सच को. व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन आवर लाइव्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन द पास्ट. माजी में लोगों की जिंदगियों में एस्ट्रोलॉजी जो है, इल्मे फलकियात जो है, उसने कितना रोल प्ले किया, माजी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया. कैसे, दे बिलीव्ड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन लाइफ. दे अरेंज देयर मैरिजेस, फंक्शंस, मीटिंग्स अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी. पुराने ज़माने में लोग अपनी शादियाँ, अपनी मीटिंग्स, अपने फंक्शंस एस्ट्रोलॉजर से पूछ के उसके मुताबिक जो नंबर उन्हें सूट करता था उन डेज पर रखते थे, जबकि आजकल ऐसा नहीं होता. डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस स्टिल करंट इन आवर कंट्री. हमारे मुल्क में अभी तक जो लोग यकीन करते हैं सुपरस्टिशियस पे, उन्हें बताएं आप वो कौन कौन से एंड हाउ डू दे इफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन देम. और कैसे लोगों की जिंदगियां इन सुपरस्टिशियस बिलीफ से इफेक्ट होती हैं. इन आवर कंट्री सेवरल पीपल बिलीव इन सुपरस्टिशियस लाइक ब्लैक कैट, ब्रोकन मिरर,
certain bad dates and days. कुछ लोग अभी तक हमारे मुल्क में इस सेंचुरी में भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, ब्लैक कैट पे, ब्रोकन मिरर पे, शीशा टूट गया कि गलत हो जाएगा काम, बैड डेट्स कुछ फैमिलीज़ में, कुछ लोगों में, कुछ सर्टेन डेट्स होती हैं उस पर वो शादियाँ नहीं करते, उस पर वो ट्रैवल नहीं करते, उस पर कोई नया काम शुरू नहीं करते। इसी तरह कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर हमने ये तावीज़ पहना हुआ है, वियरिंग चार्म्स, चार्म कहते हैं तावीज़ को, कि अगर ये तावीज़ पहना है तो ये हमें किसी बुरी चीज़ से महफूज रखेगा। सो दे बिलीव दैट वियरिंग चार्म्स टू अवॉइड द बैड लक, दीज सुपरस्टिशन कॉज देम इनसिक्योरिटी एंड अनईजीनेस। ये जो सुपरस्टिशियसनेस है ये इनको हर वक्त इनसिक्योर रखती है और ये अनईजी फील करते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप दैट यू हैड अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, एंड योर असाइनमेंट इज यू हैव टू लर्न the answers of these questions, plus you have to learn the synonyms of these. Thank you so much. Allah Hafiz.